मैं हूँ, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए बढ़ते दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन अब भू माफिया के विरुद्ध तेवर में दिख रहे हैं। लगातार भू माफियाओं के द्वारा जिले में अवैध रूप से किए जा रहे जमीन पर कब्जा को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए भू माफियाओं के द्वारा जो सरकारी एवं गैर सरकारी तालाब एवं पोखरों को भरकर बेचने का काम करते हैं उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामला जिले के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम पोखर मोहल्ला का है, जहां एक तालाब को भरकर उसका स्वरूप बदला जा रहा है। जो मामला दरभंगा अपर समाहर्ता के न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने का मामला चल रहा है, परंतु कुछ भू माफियाओं के द्वारा रातों रात पोखर को भर दिया गया, जिसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को मिलते ही सदर सीओ को जांच पर अतिक्रमित किए के पोखर को मुक्त करने का निर्देश दिए। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल सहित दंडाधिकारी प्रति नियुक्त की गई। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक डबरा है जो सरकारी डबरा कहा जाता है, उसको राता राती भर दिया गया है, क्या सारा मामला है? अभी संज्ञान में ये मामला आया है, अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में, तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी, जब तक वह मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पइन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन है कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है, ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें अब क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पर मैंने सीओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, उसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ कर पाऊंगा। सर, ट्रक चालक बस चालक का हड़ताल चल रहा है, आज आप लोग के यहाँ पे समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, किस तरह से इन लोगों का मांग को किस तरह देख रहे हैं? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु मैंने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जो आवश्यक यातायात है, जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं, जिनको ट्रेन से दूर जाना है, इलाज के लिए निकलना है, तो ऐसे लोगों के लिए यातायात प्रभावित नहीं हो। मैंने एसपी साहब से भी बात किया है और थाना को भी हम लोग निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक हमारे यहाँ सामान्य रहे। उनकी मांग है, उनको मांग रखने का अपना तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से वो मांग रखेंगे तो उनकी मांग को हम लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे।